सोशल मीडिया में बिहार सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो से नीतीश कुमार की किरकिरी भी हो रही है। वैसे भारत में सरकारी अफसर नेताओं की चरण वंदना करते दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बिहार में मामला थोड़ा उल्टा ही हो गया है। इधर राज्य के सीएम नीतीश बाबू एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने की कोशिश करने लगे। कोशिश क्या करने लगे, लगभग छू ही दिए थे कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनका हाथ पकड़ लिया। बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम होकर किसी के पैर नहीं छू सकते, बात ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। पीएम मोदी के पैर छूने तक का तो समझा जा सकता है, लेकिन एक राज्य के सीएम का भरे मंच से अफसर के पैर पड़ने की कोशिश करना, ये देश की राजनीति में बड़ी ही दुर्लभ घटना हुई है जिसकी निंदा हो रही है। बुधवार 10 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार पटना में जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान 6 लेन सड़क प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा शुरू हुई। प्रोजेक्ट समय से पीछे चल रहा है तो मंच से ही नीतीश कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीनाथ को गुस्से में आकर फटकार लगाने लगे। इतने में ही नीतीश कुमार ने कहा कि आप कहें तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन ये काम जल्दी करवा दीजिए। और इतना कहते ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से उठे और प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। तभी पथ निर्माण के ACS प्रत्यय अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप ऐसा मत कीजिए, हम काम तेजी से ही करवा रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार रुके नहीं और जब उन्हें सीएम विजय सिन्हा ने पकड़ा तब जाकर वो अपनी वापस कुर्सी में लौटे। सर हटिए ना, आप सरकार आप नहीं कर रहे हैं और कोई बातें कहा गए, चलिए कुछ बात हो तो कहा गया। 21 साल करवा दीजिए, जब कर दीजिएगा तो इतना बढ़िया रहेगा कि लोग यहाँ समझ जाएगा। अब रास्ते में थोड़ा धोखा दिया है, ठीक नहीं। यहाँ पे जो बना रहे हैं वो आपको बना देंगे, इसके आगे जाएंगे बख्तियारपुर के आगे और उसके बाद जाएंगे। बस फिर क्या, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और विपक्षी नेता नीतीश कुमार की इस हरकत पर उन पर तंज कसने लगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जुबानी हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, असक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं अराजकता का कारण यही है कि एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स ने भी नीतीश कुमार को एक कमज़ोर सीएम कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जब बिहार सीएम ही भरे मंच से ये कहें कि एक कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनता तो बिहार का क्या होगा। वैसे नीतीश कुमार के इस वीडियो को लेकर RJD के अलावा कोई दूसरा विपक्षी दल रिएक्शन देने नहीं आया, जबकि विपक्षी पार्टियां NDA के दलों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि इंडी दल को अभी भी नीतीश कुमार की वापसी की उम्मीद है। खैर, बिहार सीएम के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्दसाची के साथ बने रहें। धन्यवाद।